रेट डाउन होगा तो हम लोगों की जो वैल्यू है वो मिल नहीं पाएगी। तो आज इसीलिए जो भी व्यक्ति आप कोई भी नौकरी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप अपने आप से पूछ के देखिए क्या आपको आपकी कीमत मिल रही है। जो आपने MBA किया, जो आपने इंजीनियरिंग किया, जो आपने डॉक्टरेट किया, जो आपने PhD किया, जो आपने एजुकेशन लिया, क्या उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको आमदनी मिल रही है? तो आप पाएंगे नहीं, आज वो चीजें हमें नहीं मिल रही है जो मुझे मिलना चाहिए था। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है सर? दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इम्प्लाई के अतिरिक्त अपना भी कोई कारोबार करते हैं, अपना भी कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आज कंपटीशन का माहौल इतना ज्यादा है कि आज हम अपने कंपटीटर को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्जिन्स को घटाना पड़ता है। मार्जिन्स जब हम घटाते हैं ताकि हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, और जब मार्जिन बहुत ज्यादा घट जाती है और इसमें बड़े लोग जब आ जाते हैं, एंट्री करते हैं, जब बड़े लोग एंट्री करते हैं तो जो सिद्धांत है बड़ी मछलियां छोटे मछली को खा जाती हैं, उस सिद्धांत के मुताबिक बहुत तेजी से छोटे व्यवसायी धीरे धीरे अपने व्यवसाय से दूर होते चले जा रहे हैं और उनका घाटा हो रहा है और वे लोग बाहर जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई का एक बड़ा व्यापार नहीं हो पा रहा है और वो सफल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के लिए 21वीं सदी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम लोगों को मिली हुई है, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये 21वीं सदी का एक स्वतंत्र व्यवसाय मालिकों का समूह है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे आप अपने कार्य को करते हुए भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, आप अपना रोजगार के साथ कर सकते हैं, आप अपने नौकरी के साथ कर सकते हैं, यानी आप अपने बिना पुराने कार्य को बिना प्रभावित किए भी इस कार्य को करके एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। मैं भाई आपको बताएं, मैं पिछले 5 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ फाइटोसेल लाइफ के साथ, और 5 सालों के दरमियान मैंने एक बात सीखी है और वो ये है कि इस व्यवसाय में हमारी टीम के नए लोग हमारे व्यवसाय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी नए लोग आते हैं वो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, और ये जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बड़े नाजुक हैं। इन्हें बहुत सहेजना पड़ेगा आपको, अगर आप इन्हें नहीं सहेजेंगे तो ये बेचारे बिखर जाएंगे। इसलिए आपको समझना है कि इन लोगों को किस तरीके से हम संभाल के रखें, और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। हम आज इस बात को उन लोगों से बताने से न चुके कि ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, इसमें इससे उनके वो सारी सपने पूरे हो सकते हैं। ये एक ऐसा पाइपलाइन का निर्माण आप कर सकते हैं जिससे कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, और ऐसा अगर आप उन लोगों को नहीं बताएंगे तो ये खूबसूरत व्यवसाय से वो चूक जाएंगे। और उनके जीवन में जो जीवन 3 प्रकार का होता है, एक तो ये होता है सर्वाइवल लाइफ। सर्वाइवल लाइफ क्या होती है कि हम किसी भी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, किसी भी तरीके से हम अपने जीवन को जीने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और जिंदगी को जी रहे हैं। और दूसरा ये होता है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें हमने कोई अचीवमेंट कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हम लॉयर बन गए, हम एडवोकेट बन गए, हम IAS ऑफिसर बन गए, हम अपने आप को सक्सेस कर लिए, तो ये केवल हम तक सीमित है। और एक और होता है, अभी एक गोविंद सर का एक बड़ा अच्छा सा मैसेज आ रहा है कि भाई वेडनेसडे को भी ये होता है, आप उस दिन बोल देना, ठीक है कोई बात नहीं है सर। और जो तीसरा मुद्दा होता है सर, वो होता है हमारा लाइफ ऑफ, पहला लाइफ ऑफ सर्वाइवल, दूसरा लाइफ ऑफ सक्सेस, और तीसरा है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसकी खास बात क्या होती है, आपके माध्यम से कितनों के जीवन में परिवर्तन आ गया, आपके माध्यम से कितने लोगों ने अपने जीवन में खुशहाली ली है, वो होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा करना है कि आप दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकें, दूसरों के जीवन में खुशहाली ला सकें। इसके लिए आप इस काम को किस तरीके से करें, इस बात को ध्यान रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी अनजान डर के कारण से, चाहे अनजान या जानकारी की कमी के कारण से, या सही स्टार्टअप सही फॉलोअप न करने के कारण वे इस फायदेमंद व्यवसाय से चूक जाते हैं। तो हम सबका जो दायित्व है, हम सबका जो उद्देश्य है, वो ये होना चाहिए कि
कि हमारे पास जो भी जानकारी है हम उन लोगों को ये पूरी जानकारियों को दे सकें। और अगर हम इस सारी जानकारियों को दें तो इसमें ये इस बात को ध्यान से रखें, ध्यान दें इन सारी बातों का कि उनके जीवन में कुछ जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो सपने हैं, वहां से आप शुरुआत करें और ये बात बताएं कि किस तरीके से वे लोग इस व्यवसाय में आकर के आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या पाना चाहते हैं और इस पाने में हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, वे लोग इस काम को क्यों शुरुआत करें, ये सारी डिस्कशन करें। और उसके बाद उनके जो अभी हम लोग पिछले दिनों में ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे थे, बेसिक्स ट्रेनिंग्स वगैरह, तो उनको तुरंत ज्वाइन कराने के इमीडिएट बाद हम इस बेसिक ट्रेनिंग के साथ उनसे कनेक्ट करें और उनको एक अच्छी सी तैयारी करें, टीम लिस्टिंग बनाएं, उनके लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के माध्यम से उन लोगों को वो चीज सिखाएं जिससे कि वो इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो पहला टॉपिक हम लोगों का ये होगा और इस तरीके से हम इन आने वाले लोगों को जो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि इस व्यवसाय में सबसे खास बात क्या है, ना तो यहाँ गोदाम रखना है, ना तो इन्वेंट्री रखनी है, ना तो पूंजी लगाना है, यहाँ सिर्फ आपकी पूंजी लगती है समय की, मेहनत की। आपका यहाँ पैसा नहीं लगता, आपका यहाँ मेहनत लगता है। तो आपको जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करने को तैयार हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं इस तरीके से जीवन में बड़ा बदलाव करना, उन लोगों की लिस्टिंग करिए, उन लोगों से मिलिए और उन लोगों को ये बताइए कि यहाँ आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कंपनी आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है, यहाँ के लीडर किस तरीके से आपको एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एजुकेशन देते हैं, किस तरीके से आप व्यवसाय को आगे बढ़ा पाते हैं, सारी चीजें आप उन्हें सिखाएंगे। किस तरीके से हमको कोई अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ता है, न तो टैक्सेशन के लिए, न ही हमें अकाउंट्स का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है, सारी समस्याओं का समाधान आपके लिए यहाँ पे पहले से किया हुआ है, बस आपको कनेक्ट करना है और लीडर के साथ कनेक्ट होकर के इस व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोगों को जिनको जिनको जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वे लोग अपनी प्राथमिकता तय करें और प्राथमिकता तय करके अपनी टीम के साथ, अपने लीडर्स के साथ मीट करके इन सारी बातों पर ध्यान रखें और व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और जो लोग ज्वाइन अभी करने वाले हैं, जो अभी आज की मीटिंग सेशन में हैं, वे लोग दोबारा अतिशीघ्र फॉलो अप करें और फॉलो अप करके उन लोगों को बिजनेस में लाएं। तो हम आज का जो सेशन है हम लोगों का था 11 बजे से 12:30 बजे तक का, 1.5 घंटे का सेशन था। हम लोग अपने सेशन को अपने 1.5 घंटे के टाइमिंग के हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करते हुए हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आगे वाले समय में जो हम लोगों का बुधवार का सेशन होगा, हर लोग अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ मीटिंग सेशंस को अटेंड करते रहें और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस तरीके से जल्दी जल्दी सीख करके एक बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखिए। जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप खुद ब खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और अगर आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप अपने भी यूज करेंगे और आप अपने जाने पहचान वाले लोगों को भी प्रमोट करेंगे ताकि आप उनके भी जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रखिए, अपने उसे यूज करिए और लोगों को उसका यूज कराइए, लोगों से मिलिए। लोगों के बारे में आपको बहुत नहीं पता है तो उनसे मिल करके आप ये जानेंगे कि उसके छोटे लक्ष्य हैं या बड़े लक्ष्य हैं। वो जैसा भी लक्ष्य रखता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लक्ष्य को कैसे पूरा करना है इसके लिए उसकी एक्टिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनको हर छोटी छोटी चीजों को सिखा करके हम लोग उनके सपनों को पूरा कराने में मदद करें। इस उद्देश्य के साथ सारे लोग अपने पुराने और नए जितने भी एसोसिएट्स हैं उनसे मिले, डिस्कशन करें, क्योंकि एक ही मुद्दा है, जब तक उनके सवालों के जवाब उनके पास नहीं होगा, उनसे कहिए आपको कोई जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम लिखो। जब तक आप समस्या नहीं लिखोगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं लिखोगे, जब तक कोई डाउट्स आप नहीं जानोगे और जब डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ये सारे डर समाप्त नहीं होंगे, तो आप व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लोगों को भी आप कॉन्फिडेंस के रूप में, मतलब आपके अंदर वैसा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा जिस कारण से आप लोगों को बता सके। तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारी चीजों पर ध्यान रखें, प्रोडक्ट्स पे ध्यान रखें, लीडर्स पे डिस्कशन करें और उनके सवालों के जवाब दें, उनके सवालों को, उनके कंफ्यूजन को, उनके संदेहों को दूर करें। इस तरीके से हम लोग अपने व्यापार को तेजी गति से आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोगों से एक आग्रह जरूर से जरूर करेंगे कि फिर से हम लोग बुधवार को, यानी आज जो संडे है, रविवार है, सोमवार मंगलवार को आप लोग फील्ड में जाइए, अपने लोगों से मिलिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक तरीके से काम करिए, मास्क लगाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस पालन करिए, पर प्रतिदिन विटामिन सी का सेवन करिए, इम्यून सीरप का सेवन करिए, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो कफ सीरप का सेवन करिए। इस तरीके से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को मिलिए और उनको इसके बारे में बताइए और जल्दी से जल्दी अपना डेस्टिनेशन, क्योंकि देखिए सिचुएशन हमेशा बुरी कंडीशंस भी आती है लेकिन जो जिनके पास रास्ते होते हैं उस बुरी कंडीशन में बहुत बड़ा कर जाते हैं। तो आप सबके पास रास्ते हैं, आप सब इस कोविड में भी, इस संकट काल में भी एक बड़ा सा काम कर सकते हैं जिससे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में तो इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारी सिस्टम, हमारी कंपनी इतना बड़ा सिस्टम दे रही है, आप सोचिए, देखिए बिना सिस्टम के कोई भी काम नहीं किया जा सकता आसानी से, किया तो जा सकता है लेकिन उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ज्यादा सहनी पड़ेगी। जैसे आपको देखें, अगर आपको किल ठोकना है दीवार में तो आप चाहें तो किल लगा करके हाथ से भी ठोकें, तो अगर आप हाथ से ठोकेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ चोटिल हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप कोई सिस्टम का उपयोग करें, हथौड़े का उपयोग करें, तो हथौड़े से आसानी से आप किल को ठोक सकते हैं। तो इसी तरीके से जो व्यवसाय है, इस काम को हम सभी लोग तेजी से कर सकते हैं, कम मेहनत में कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते सिस्टम के तरीके से करना होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई इम्प्लाई होगा, हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में है, लेकिन अभी तक उन लोगों के काम, कोई भी काम ऐसे नहीं है जो नेटवर्क बना के किए जाते हो। नेटवर्क बना के तो नहीं किए जाते ना, ये व्यवसाय नेटवर्क बना के किया जाता है। तो आपको जब तक नेटवर्क बनाने का तो सहूर है नहीं, नॉलेज तो है नहीं कि नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, और आप इस काम को करने लगेंगे और इसमें जब फेल हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा व्यवसाय है। तो आपको इस काम को भी सीखना होगा, इसके सिस्टम को समझना होगा, ताकि आप आसानी से नेटवर्क बना सकें। तो नेटवर्क बनाना भी एक क्रिया है, एक सीखने की पद्धति है, इसका सिस्टम है। और हम लोग हर बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को, इस तरीके से हफ्ते में 3 दिन करते हैं मीटिंग सेशन, और हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोगों को मैसेज जाएगा, 3 दिन हम लोग जूम के माध्यम से कनेक्ट होंगे, नॉलेज लेंगे। और इस नॉलेज को केवल लेना नहीं है मेरे भाई, इसको हमें लर्न करना है, फिर डू, लर्निंग एंड डूइंग, हमें उसको सीखना है और फिर उसे करना है, और कर करके फील्ड में हमें परफेक्ट होना है, और जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे सक्सेस नहीं हो सकते। तो क्या करना है, हमें सीखना है, करना है, सीखना है, करना है, फिर कर करके जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो लोगों को सिखाना है, लोगों को टीच करना है, और इसी की डुप्लीकेशन करके सक्सेस होना है, और कुछ काम नहीं है, इतना काम है। और इसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, कंपनी तैयार है, प्रोडक्ट समय से देने के लिए, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, और पे आउट आपको सही समय से देती है, बिना आपके अकाउंटिंग रखे। आप कोई भी अधिकारी नहीं रखते, कोई भी अकाउंटेंट नहीं रखते, कोई भी लेखा जोखा नहीं रखते, लेकिन सारा काम कंपनी करती है, आपसे एक पैसे नहीं लेती है इस कार्य के लिए। दूसरा, आपके जितने लीडर्स हैं, सप्ताह में आपको एक मीटिंग सेशन दे रहे हैं, सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको सेशन दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करके, सिस्टम को अडॉप्ट करके व्यवसाय को बढ़ा सके। आपका इमीडिएट अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन कराया है, वो हर पग पग पे आपको समय देने को तैयार है, वो हर चीज सिखाने को तैयार है, और जो चीजें आप वहां से सीखते हैं वो और कुछ चीजें ये बड़े लीडर्स, चाहे सतेन सर हो, विजय सर हो, गोविंद चौधरी सर हो, मधुबाला में हो, अरविंद देव सर हो, अजय साहू सर हो, जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को सिखाते हैं, ताकि आपका व्यवसाय किस तरीके से आगे ग्रो कर सके। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीफोनिक बात करके भी, चाहे शैलेश सर हो, उनसे आप प्रोडक्ट सेशन के बारे में जान सकते हैं, आप विजय सर हो, चाहे जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों से आप टेलीफोनिक भी सपोर्ट ले पाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो पूरा सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन ये सारी सपोर्ट तब आपको फायदे करेगी जब आप खुद तैयार हो करने को, जब आप खुद डिसीजन ले लें। जैसा कि विजय सर ने कहा कि सबसे पहले तो आपको खुद को ही डिसीजन लेना होगा, तो आपको आज ही डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, किस हिसाब से करना है,
कितनी गति से जाना है, धीमी गति से जाना है या तेज गति से जाना है, ये निर्णय आपको लेना होगा। मेरे तरफ से आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये व्यवसाय ही स्वतंत्रता का है। आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग आज 120 लोग हैं, लास्ट सेशन तक हम लोग 120 लोग हैं, और आने वाले समय में इसे हम डुप्लीकेट करते चलेंगे, गुणात्मक वृद्धि की ओर चलेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक यू।